क्या हुआ है, रोएगी तू अब? यार मेरा दिमाग खराब कर देते हैं बात बात में, क्या तो क्या हो गया, क्या हो गया? बड़ा मात्री वो कैमरे में देख के वो कर रही है। क्या बात, क्या बात, शायद तुम खुद रोटी बनाओगे। वाह वाह वाह, शाबाश। वेलकम बैक टू माई चैनल, माय नेम इज़ प्रिया सिंह। एंड इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और इस ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जो अभी मैं स्किन केयर जब भी मैं फॉलो कर रही हूँ मैं आपको वो शेयर करूँगी, एंड देखते हैं और भी जो भी चीज़ होंगी, क्योंकि कुछ भी मैं प्लान नहीं करती हूँ, जो कुछ होता जाता है मैं आपको वही वही सेम दिखाती हूँ, नेचुरल जो भी नेचुरल हो रहा है वही सब चीज़ दिखा रही हूँ। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, एंड लेट्स गो। गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हो? ठीक हो? खाना खा लिया अभी? नहीं खाया? शिंजी। अब इसके लिए हम ये लेके आए हैं, ये ज़्यादा मतलब वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत इसे भानने के लिए सही है, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा डालनी पड़ेगी क्योंकि ये इधर उधर भागता रहता है। घूम लो आप, मेरी शादी शैतानी करनी है। को भी चाहिए, शिंजी को भी खाने छोले चावल। मम्मी नहीं दे रही है आपको, आपका खाना नहीं है ये, आपका खाना अलग है ना शिंजी। चलो आ जाओ, मैं तो घूम के आएंगे, आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। कपड़े उतर गए सारे? नहीं नहीं लेके आई? बेचारी को छत पर भेजा मम्मी ने कि कपड़े लेके आ जा, बारिश आ गई है, और मम्मी ने मना कर दिया। ओ ले ले, कोई बात नहीं, तेरी एक्सरसाइज हो गई। सीधे नहीं है, एकदम कड़क सूखे पड़े हैं वो कपड़े। चलो तो पापा ले पहुंचा। क्या हुआ है, रोएगी तू अब? यार मेरा दिमाग खराब कर देते हैं बात बात में, क्या तो क्या हो गया, क्या हो गया? बड़ा मात्री वो कैमरे में देख के वो कर रही है। चूचू चल खेलो आप। हे बाबा नहाई नहाई कर रहे हैं, बाबा की तो आज बड़ी लेट नहाई नहीं हुई। अच्छा बाल कटे बाबा के? टिंटी ने आज बाबा के छोटे छोटे बाल कट दिए, अब बाबा नहाई नहाई कर रहे हैं। बेचारी इतनी दूर से ढूंढने लग रही है कि कुछ मिल जाए इसको खाने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा है बेचारी, कभी दर दर भटक रही है, कभी इस फ्रिज तो कभी उस फ्रिज। कुछ मिला? नहीं मिला। तू बना, तेरे वजह से सब्जी बना के रख दिया मैंने, वो रखी उधर, ठीक है। रात को बोलती प्रिया कोई सब्जी बना लिया कर यार, एक ये लोगों की फरमाइश पूरी की जाती है, उसके बाद बोलते नहीं कुछ नहीं करते तुम लोग। क्या बात, क्या बात, शायद तुम खुद रोटी बनाओगे। वाह वाह वाह, शाबाश। अच्छा तू बना दे, मैं क्यों बनाऊ? शिंजी उठ गया है, शिंजी का खाना करा दिया, शिंजी का भी खाना थोड़ी देर में हो जाएगा तो खा लेगा, तब तक मैं अपना खाना खा लेती हूँ। तो मेरे सिर्फ है आधी रोटी, दाल और गाजर, इसे मैंने एक चम्मच घी डाला क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अभी ये खा लेते खाना, और मैं थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ये दूध वो ज़्यादा ले लूँ जिससे कि स्किन थोड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। चलो खाना खाते हैं, तब तक ये उठ गया है तो ये उसका ये भी हो जाएगा, फिर से खाने गए। सिट सिट, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। इस टाइम पे जो ये ब्रीड है, मतलब जो बीगल्स हैं, इस टाइम पर सोना शुरू कर देते हैं, तो ये सीखना भी शुरू कर देते हैं, ऐसा सुना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ हमने जैसे सिट करना सिखाया है तो ये अभी सीख गया है। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा पहले वैसे बताना पड़ा कि ऐसे सेट करना है, फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली करके हुआ, तो बट हाँ अभी सेट होना सीख गया है। तो और चीज़ें सिखाएंगे, अभी कम थोड़ा सिखाया है, हेलो करना सिखाएंगे अभी, तो चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएगा अभी। और बहुत अच्छा लगता है जब हमसे बोलते हैं सेट, एकदम से बैठ जाता है, बड़ा प्यारा लगता है। कभी कभी तो क्या करता है ये कि ऐसे घूमता रहेगा, और फिर हम कहीं बैठे हैं तो हम कुछ खा रहे हैं तो अपने आप आके बैठ जाएगा, मतलब इसको पता है कि अगर हम बैठ गए मतलब हम कुछ खाने के लिए मिलने वाला है। तो अभी चीज़ें खुद सीख गया है, तो अभी खुद अप्लाई भी करता है, तो अभी बस
खा रहा है खाना। फिनिश, गुड बाय। चलो फिनिश हो गया, हो गया फिनिश, हो गया। अभी आप क्या कर रहे हो इधर, इसके अंदर इतने लुढ़क लुढ़क के इधर आ गए हो। तो ये मैं नाइट में खा रही हूँ। इसमें मैंने एग्स लिए हैं, 4 eggs लिए हैं, और ये है दाल जो मैंने दोपहर में खाई थी, वही सेम दाल लेके मैंने एग्स के साथ मिक्स कर लिया, और मैं रात के टाइम पे ये खा रही हूँ। तो आप थोड़े से फ्रूट्स खा लेते हैं, पपीता एंड सेब। तो चलो, मम्मी का मन था तो मम्मी खाएंगे और हम खाएंगे, बाबा खाएंगे। चलो। ए रुरू, रुरू किधर गया, किधर गया? तो हमने अपना ये खा लिया फ्रूट्स वगैरह भी, और अभी बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और ये रुरू चिल्लाने लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छी हवा भी चल रही है तो बाहर घूम के भी आता है। मम्मी चल रही हो? और अभी तक हाँ, मम्मी ही बाबा को पपी तक ला रही है। बाबा आराम से लेट लेट के खा रहे हैं। बाबा तुम्हारे मजे हैं, तुम लेट लेट के खा रहे हो हैं। चलो खिला दो, फिर चलते हैं घूमने, ठीक है? सबसे पहले मैं लेती हूँ स्टीम, जो कि मेरा ऐसा कुछ स्टीमर है, आप किसी भी अमेज़ॉन या किसी पे चेक वो चेक कर सकते हो। ये सब उसके स्वाइट आ जाता है, उसकी वजह से जब हम स्टीम करते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है हमारी सारी निकल जाती है। तो फिर मैं इसको सिर्फ एक फिर किसी भी एक कपड़े से मैं क्लीन कर देती हूँ। वैसे जनरली मैं इसके बाद सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बट अगर आप चाहें तो मैं जैसे ज़्यादातर मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ डेली बेसिस पर, बट किस मतलब हर एक वीक में एक बार मैं ये फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ दिस, एंड देन इसके बाद मैं अपने फेस को पैक करने लगी। स्क्रब कर रहे हैं तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, स्टीम के बाद भी खुल जाते हैं। तो कभी कभी मैं पैक लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, तो फिर मैं ये वाला पैक यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं यही सब चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैं स्क्रब को करती हूँ, करीब 10 मिनट तक मैं फेस पर अपने स्क्रब करती हूँ, देन उसके बाद फिर ये पैक पपाया पैक, और उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं फ्रीज में रख देती हूँ क्योंकि जिसकी वजह से वो ठंडा रहता है, तो मैं जैसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, और मुझे उसकी वजह से बहुत फ़र्क दिखाई भी दिया है। आप अगर देखोगे तो मेरे फेस पर पहले बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, अब पिंपल्स नहीं है, सिर्फ दाग वगैरह रह गए हैं, तो वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएंगे। उसके लिए मैं फिर कुछ देखूँगी, कुछ और कर सकते हैं, पर फिलहाल जो मेरा पूरा का पूरा फोकस है वो भी पिंपल्स ना हो। तो अभी मैं 2-3 महीने से ऐसे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ फेस स्क्रब। मैं इसको करीब 10 मिनट तक मैं इसको फेस पर स्क्रब करूँगी, और जितनी भी गंदगी होगी तो वैसे तो स्टीम से निकल जाती है, बट वीक में एक बार मैं कर लेती हूँ कि अगर उससे स्टीम से ही नहीं निकलती है तो फिर स्क्रब से निकल जाएगी, क्योंकि हम स्क्रब डेली तो नहीं कर सकते क्योंकि फेस के लिए मतलब ज़्यादा सही नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी स्किन के लिए एटलीस्ट। तो मैं ऐसे वीक में कर रही हूँ, और मुझे एक सब्सक्राइबर थी मेरी, उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था वीक में करने के लिए, क्योंकि पहले मैं 15 डेज़ में कर रही थी और अभी मैं इसे ट्राई कर रही हूँ वीक में। कभी कभी बीच में एक आध बार छूट भी जाता है मेरा, क्योंकि कभी मैं बहुत ज़्यादा थकी भी होती हूँ, कुछ पूरे दिन कुछ कराया तो, या फिर कभी मैं बिल्कुल जल्दी नींद आ रही हूँ तो सो जाती हूँ, तो इस चक्कर में कभी कभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है एक आध बार छूटता है, लेकिन वीक में ये है कि मैं स्क्रब तो कर ही लेती हूँ। तो बस इसको 15 मिनट तक करूँगी, 10-15 मिनट आपकी मर्जी जैसे आपको सूट करे, कभी कभी मैं टाइम कर लेती हूँ, कभी 15 पे लेती हूँ, तो लेट्स सी इसे मैं कर लेती हूँ, ठीक है? तो मैंने फेस स्क्रब कर लिया है, अब मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक। तो मैंने ये फेस पैक लगा लिया, बिल्कुल भूत नहीं लग रही हूँ, बट ठीक है इसको 10-15 मिनट्स रखेंगे, इसके बाद फिर मैं इसको रिमूव करके एलोवेरा जेल लगाने वाली हूँ जो कि मैंने फ्रीज में रखा हुआ है ठंडा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो अब देखो ये सूख गया है,
10 से 15 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी मैं इसको वॉश करती हूँ एंड देन लगाते हैं हम एलोवेरा जेल। अब देखो देख कितना क्लीन लग रहा है, ग्लोइंग आ रहा है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो और बट मैं अगर इस पूरे प्रोसीजर की बात की जाए तो मैं ये सिर्फ 1 वीक की बात करती हूँ, हर एक वीक के बाद। और जो मैं डेली करती हूँ सिर्फ स्टीम लेती हूँ, उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और अगर कभी आपको फील ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मतलब ओपन पोर्स ऐसा लग रहा है, फील होता है कभी कभी ऐसा कि नहीं आज मैं पैक लगाना चाहिए, तो मैं पैक कभी कभी लगा लेती हूँ, वरना नहीं लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं वीक के बाद ही लगाती हूँ, हर एक वीक के बाद। तो आपको जैसा सूट कर रहा है आप हिसाब से कर सकते हो, लेकिन स्टीम और एलोवेरा जेल मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को सूट करेगी। और स्क्रब हो गया आपका, पैक हो गया, तो आपकी स्किन के टाइप से जो आपको सूट करता है वो यूज़ कर लीजिए। जगह पर ये नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको फेस को मतलब सूट करता है वो आप ले लीजिए, और जैसे मैं कह रही हूँ आप ऐसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। लेकिन देखिए ये भी है कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में ढंग से कुछ ऐसा पता चलता नहीं है, कम से कम 1 से 2 महीने लेके चलो, तब सही से पता चलता है कि हाँ क्या रिकवरी हो रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय गाइस, टेक केयर।